कागरौल क्षेत्र में विमान क्रैश होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने वाले फायर कर्मचारियों को पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह के हाथों से प्रशस्ति पत्र मिलने पर फायर कर्मी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कागरौल के गांव बघा सोनेगा में वायुसेना का विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई थी। इस हादसे के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। विमान क्रैश होने की खबर मिलते ही सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर रवाना हो गए थे। फायर कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया था। जिस तरह से फायर विभाग की टीम ने कार्य किया, उसकी वायुसेना के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहना की थी। मंगलवार को ईदगाह फायर स्टेशन पर 31 फायर कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। 4 नवंबर को एक MiG-29 फाइटर विमान था, जो सेना का विमान था, वो थाना कारगोल में एक गांव पड़ता है बाघा सुनगवा में, वहां पे क्रैश हुआ था। जिसकी सूचना फायर सर्विस को मिली, तो फायर सर्विस से वहां खैरागढ़ से एक गाड़ी और 2 गाड़ी ईदगाह से तत्काल प्रस्थान करा गया। मैं भी मौके पे पहुंचा। जो बरहन खैरागढ़ की गाड़ी थी वो बहुत जल्दी पहुंच गई क्योंकि पास में थी, और तुरंत उन्होंने फोम कंपाउंड चला के खेत में था, आवासी से जो गांव से दूर पे था, तो कई पाइपलाइन फैलानी पड़ी, लेकिन बड़ी तत्परता के साथ फायर सर्विस वालों ने पाइप फैलाकर और फोम से उस पर आग बुझाना शुरू किया। वायुसेना के अधिकारियों और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने भी फायर कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कहा था। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ की तरफ से दिए गए प्रशस्ति पत्र सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह ने फायर कर्मियों को ईदगाह फायर स्टेशन पर दिए। सीएफओ के हाथों से प्रशस्ति पत्र मिलने पर फायर कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वायुसेना के अधिकारी भी 31 फायर कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। और मदद में यहां से भी 2 गाड़ियां पहुंच गईं, और हम भी और पूरी टीम पहुंच गई, ईदगाह की भी और खैरागढ़ की भी, और उसको बहुत तेज़ी के साथ जो है आग बुझाने की कार्रवाई हुई फोम के साथ। थोड़ी समय में हम लोग ने उसको कंट्रोल कर लिया, और ये गाड़ियां पहुंचने के बाद लगातार जल की संपूर्ति बनी रही, जिसमें उसमें टेक्निकल जाँच में जो उनके ब्लैक जो होल होते हैं, वो ब्लैक बॉक्स जो उसके होते हैं वो, और उसके कुछ तकनीकी जो मशीनरी होती हैं वो सब सुरक्षित बचा लिया गया, जो जांच में उनके सहयोग प्रदान करती। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे एयरफोर्स के, उनके द्वारा फायर सर्विस की बहुत सराहना की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पहुंचे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझा लिया था। इससे विमान के ब्लैक बॉक्स के साथ तकनीकी मशीन भी जलने से बच गई थी। ब्लैक बॉक्स और तकनीकी मशीन से विमान में अचानक आई तकनीकी खराब का पता लगाया जा सकेगा। इस तरह के सराहनीय कार्य करने पर आगरा के सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह का कई बार सम्मान हो चुका है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।